ठीक ना। चलिए आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिएगा अपना। हाँ कैमरा ऑन करेंगे आप लोग। चलिए आज कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे आप लोग से। सर इंटरनेट खत्म हो गया, कैमरा ऑन करेंगे तो कनेक्शन कट जाएगा। इंटरनेट पैक भरवाओ, पैक भरवाओ, एक्स्ट्रा पैक भरवाओ, कट जाएगा। एकदम सिंसियर होके पढ़ाई करना है हम लोग को, ठीक है सर। कॉलेज में है तो कैसे ऑन करें? कॉलेज में हाँ, रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं। अच्छा रजिस्ट्रेशन कराने, चलो ठीक है, चलो ठीक है, हम एक बार ये कर देते हैं, भी लुकअप और एज लुकअप बता देते हैं, ठीक है। अच्छे से सीखेंगे आप लोग, भी लुक पहले भी लुकअप बता देते हैं। देखो भी लुकअप स्क्रीन शेयर हुआ ना? यस सर। हाँ देखिए वी लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग डेटाबेस में सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। किस लिए? सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे ये डेटाबेस है अपना, ठीक है, ये म्यूट करो जी। ठीक है, जैसे ये डेटाबेस है अपना, एक मिनट, भी लुकअप का यूज किस लिए करते हैं? सर्च करने के लिए करते हैं। और भी लुकअप जो है आपका डिफरेंट आर्गुमेंट को लेता है। चलो निकिता सिंह। यस सर। भी लुकअप फंक्शन क्या क्या आर्गुमेंट लेता है? बताइए भी लुकअप फंक्शन क्या क्या आर्गुमेंट लेता है? चंदा कुमारी। सर लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स। हाँ और बताए थे भी लुकअप यूज करने से पहले डेटाबेस हमारा क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। डेटाबेस क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, तभी भी लुकअप फंक्शन काम करेगा। ठीक है, भी लुकअप फंक्शन यूज करने से पहले डेटाबेस को क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। तो पहले हम लोग शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के लिए डेटा में जाओगे, शॉर्ट यहां पे आएगा, शॉर्ट बाय सेल्समैन के ऊपर शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट ऑन वैल्यूज ऑर्डर ए टू जेड, ओके, ठीक है, शॉर्ट हो गया। अब इसको यूज करेंगे हम लोग यहां पे जैसे चाहिए, इक्वल टू भी लुकअप, इक्वल टू भी लुकअप। पहला आर्गुमेंट क्या है? हेलो युवराज, युवराज। यस सर। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या लेगा भी लुकअप फंक्शन? फर्स्ट आर्गुमेंट सर लेगा सर सेल्समैन, सेल्समैन की लुकअप वैल्यू। हाँ सर वही लुकअप वैल्यू। हाँ हाँ सेल्समैन, ठीक बोले। सेल्समैन में जैसे हम लोग देखना चाहते हैं सौरभ का, तो डबल कोट में देंगे क्योंकि टेक्स्ट है, सौरभ का सर्च करना है सेल्स क्या है, तो यहाँ पे दिए सौरभ, सौरभ कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट होता है टेबल एरे, टेबल एरे में कंप्लीट डेटा होगा, जिस एरिया में क्या करना है सर्च करना है, ठीक है। थर्ड आर्गुमेंट होगा कॉलम इंडेक्स नंबर, क्या सर्च करना चाहते हैं फैजान, चंदा कुमारी? नहीं ये सर। हाँ सौरभ का क्या सर्च करना है, एरिया, सेल्स या आइटम, क्या सर्च करना है?
सेल्स करिए सर। सेल्स करिए, तो सेल्स कितने नंबर कॉलम पे है? सर 9 नंबर है। 9 कैसे है? 9D। नहीं नहीं, 1 नंबर पे सेल्समैन है, सेकंड नंबर पे आइटम है, थर्ड नंबर पे एरिया है, फोर्थ नंबर पे क्या होगा? सेल्स। अच्छा, फोर्थ नंबर पे क्या होगा? सेल्स। तो 4 देंगे। सेल्स सर्च करना है तो क्या देंगे हम लोग? 4 देंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे, फोर देंगे। फोर्थ नंबर पे है सेल्स, ठीक है, एंटर के प्रेस करेंगे। चलिए आ गया, 2600 रुपया है सौरभ का। सौरभ का सेल्स देखिए कितना है। यस सर, 2600। हाँ, तो एक मिनट, वी लुकअप फंक्शन को लिखवा देते हैं। क्या लिखा हुआ है आप लोग को? लिखा हुआ है सर। हाँ, लिखा हुआ है सर। हाँ ठीक है, वी लुकअप फंक्शन आपका डेटाबेस में वर्टिकल सर्च करता है, ठीक है। और अब जैसे यहाँ पे चार स्मॉल डेटाबेस है, तब आप मैनुअली भी सर्च कर ले सकते हो, लेकिन जहां पे लार्ज डेटाबेस होगा वहां पे सर्चिंग क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं वी लुकअप। लार्ज डेटाबेस में सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग वी लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। और वी लुकअप फंक्शन यूज करने से पहले डेटाबेस को क्या होना चाहिए? सॉर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेलो, यस सर, सॉर्ट होना चाहिए। सॉर्ट होना चाहिए। और वी लुकअप फंक्शन फॉलोइंग आर्गुमेंट लेता है, कौन कौन? लुकअप वैल्यू, टेबल एरे एंड कॉलम इंडेक्स नंबर। किसी स्टूडेंट को वी लुकअप फंक्शन में कंफ्यूजन, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर से बताएंगे। आदिति, आदिति, यस सर, एनी प्रॉब्लम? नो सर। और कोई स्टूडेंट बताइए जिसको प्रॉब्लम है, हम पूछेंगे फिर अभी। यामिनी, यामिनी, और जिसका नाम कॉल करेंगे रिप्लाई नहीं करेंगे, सीधा रिमूव कर देंगे हम, ठीक है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए आप लोग। यामिनी, अभी रिमूव। सर कॉलेज में है। चलो, वो फॉर्म भरने आई हूँ। मानसी, यस सर, आप बताइए वी लुकअप फंक्शन के बारे में क्या यूज है वी लुकअप फंक्शन का, बताइए। बोलो मानसी। अरे अभी बताए हैं, लास्ट क्लास में नहीं थे। कहाँ रहती हो? वीडियो ऑन करो अपना। लास्ट क्लास में नहीं थे, अभी हम बताए हैं वी लुकअप फंक्शन, तो बोल रही है लास्ट क्लास में नहीं थे। सबका कैमरा ऑन होना चाहिए, ये नहीं कि ज्वाइन करके कहीं और बैठे हुए। बताओ वी लुकअप फंक्शन क्या, आदिति? आदिति, बताइए वी लुकअप फंक्शन के बारे में। अच्छा चलो आदिति बताओ, एमएस एक्सेल क्यों यूज करते हैं हम लोग? किस पर्पस के लिए एमएस एक्सेल यूज किया जाता है? कौन कौन बता सकते हैं? हैंड रेज करिए। एमएस एक्सेल, चलिए रिया, रिया आप बताइए। सर एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस कैलकुलेशन के लिए ही किया जाता है। ये हर एक बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन को शॉर्टेड कर देता है,
इसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा एक्सेल का कुछ फीचर बताइए। हाँ जैसे कि सर ये ऑटो कंप्लीट होता है, ऑटो रिकैलकुलेट हो जाता है, अगर हम कोई भी वैल्यू अगर कम्प्लीटली फॉर्मल लगा के हम कुछ कैलकुलेट करते हैं और सडनली हमें रियलाइज होते हैं कि हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो हम उसको फिर से बस वो जो करेक्ट वैल्यू देनी है वही करके हमारा टोटल कैलकुलेशन खुद ही रिकैलकुलेट हो जाएगा, उसमें फिर से हमें ये नहीं कि हमें फिर से कैलकुलेशन करना पड़े। अच्छा चलिए आप बताइए फॉर्मूला क्या है, MS Excel में फॉर्मूला क्या है? सर फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है जो कि कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। फॉर्मूला के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि फॉर्मूला को यूज करने से पहले हमें उसके आगे इक्वल टू की साइन लगानी होती है। इट ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल टू साइन। यस सर। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन ये कर सकता है और इसमें आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट्स ये लोग लेते हैं जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। जैसे कि आपने प्रेजेंटली एग्जाम्पल दिखाया था, उस एग्जाम्पल में इक्वल्स टू के बाद हम दो तीन आर्ग्यूमेंट्स लेते थे, जैसे कि लुकअप वैल्यू हो गया और लुकअप वैल्यू हो गया, टेबल एरे हो गया, वो जितने भी वी लुकअप के वो जो कंटेंट थे ब्रैकेट के अंदर वो सारे उसके आर्ग्यूमेंट थे। आज एज ए आर्गुमेंट आपका सेल एड्रेस हो सकता है, ऑपरेटर हो सकते हैं, रेंज नेम हो सकते हैं, ठीक है? Yes, चलो गुड। चलो प्रीति, प्रीति यस सर, आप बताइए फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑटो कंप्लीट, ऑटो फिल, ऑटो सम, ये सब फंक्शन है। फंक्शन फंक्शन आप लोग को बताए थे ना एमएस एक्सेल में, कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या बताए थे? बिल्ट इन फॉर्मूला इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन जो है फॉर्मूला के प्रोसेस को क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है। जैसे अभी इसको सम करना है टोटल सेल को, तो इसके लिए जब फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग को तो ऐसा लिखना पड़ेगा। देखिए समझिए कि क्या होता है फंक्शन। यदि इसी काम के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इक्वल टू डी टू प्लस डी थ्री प्लस डी फोर प्लस डी फाइव प्लस डी सिक्स प्लस डी सेवन प्लस डी एट प्लस डी नाइन प्लस डी टेन प्लस डी इलेवन, ये फॉर्मूला लिखना होगा। आप मान लिए इतने सेल में है डी टू टू डी इलेवन है तो चलो हो गया आसानी से। यदि आपका डेटा 1000 सेल में होता तब उसके लिए सम करना पड़ता तो कितना टाइम लगता बताओ आप ही लोग, क्या रिया? यस सर। समझ रही हो ना? अभी हम लोग सम करने के लिए, टोटल सेल्स को सम करने के लिए फॉर्मूला लिखा है। देखो फॉर्मूला बार पे शो कर रहा है, फॉर्मूला कर रहा है ना? यस सर। अभी एक मान लिए डेटा यदि 1000 सेल में होता तो कॉम्प्लेक्स होता कि नहीं होता? अब इसको फंक्शन जो होता है फॉर्मूला के प्रोसेस को क्या करता है, सिंप्लीफाई सिंपल बनाता है। अब देखो इसको सम करना है तो सिंपल एक सम फंक्शन सिखाए थे आप लोग को, इक्वल टू सम यही तक ना। देखो हो गया सम, हो गया जी। हेलो यस सर। हाँ यस सर, सेम रिजल्ट है। ऊपर में जो सम किए हैं वो फॉर्मूला के जरिए है और नीचे में सम किए हैं वो फंक्शन के जरिए है। तो फंक्शन आपका क्या करता है, फंक्शन सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला के प्रोसेस को फंक्शन क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है, ठीक है? फंक्शन सिंप्लीफाई द
प्रोसेस ऑफ फॉर्मूला। अच्छा एक समय फंक्शन बताए थे आप लोग को, अच्छा पहले इसको करने दो, भी लुकअप तो समझ गए आप लोग? यामिनी यस सर। हाँ भी लुकअप फंक्शन समझ गए ना? किसी को कोई डाउट भी लुकअप में? हेलो भी लुकअप फंक्शन में किसी को डाउट है? नो सर। फिर से बता दीजिए, मेरा सारा दिमाग से निकल गया। अच्छा ठीक है फिर से बता देते हैं। भी लुकअप देखो, भी लुकअप यूज करने, भी लुकअप पहले समझो क्या करता है। भी लुकअप आपका जैसे डेटाबेस है, देखो ये कंप्लीट डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस में सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग भी लुकअप और एच लुकअप दो फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं हमारी बात? सर्च करना है जैसे आप लोग को, ठीक है। जैसे देखना है सेल्समैन है ना, सेल्समैन में देखना है जैसे रिया का एरिया क्या है, या रिया का सेल्स क्या है, या रिया का आइटम क्या है, इसको सर्च करना है। तो इस सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? भी लुकअप। कौन सा? हेलो भी लुकअप सर। हाँ भी लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। अब आपका भी लुकअप फंक्शन यूज करने से पहले डेटाबेस को क्या होना चाहिए? सॉर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉर्ट होना चाहिए। सॉर्ट कैसे करेंगे प्रीति? डेटाबेस को सॉर्ट कैसे करेंगे हम लोग, बताइए। हेलो रिया। यस सर। सॉर्ट कैसे करेंगे डेटाबेस को? सर पहले डेटा को पूरा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेटा मतलब डेटा होम टैब पे डेटा होता है उसमें जाके सॉर्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट, हाँ यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट किए, ठीक है। अब यहाँ से जाएंगे डेटा, जैसे फॉर्मूला टैब है, हमको डेटा टैब पे जाना है। डेटा यहाँ पे क्या करेंगे? सॉर्ट। और यहाँ पे आ गया ये सॉर्ट बाय, किस फील्ड पे सॉर्टिंग करना है ये सब देखो। सेल्समैन आइटम एरिया सेल्स, इसको क्या बोलते हैं? कॉल्यूम। क्या बोलते हैं? कॉल्यूम या फील्ड बोलते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस के टर्म में फील्ड बोलते हैं, कॉल्यूम को फील्ड बोलते हैं, रो को रिकॉर्ड बोलते हैं। रो को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहां पे सेलेक्ट करेंगे हम लोग सेल्समैन, सॉर्ट ऑन वैल्यूज। वैल्यूज पे करेंगे, वैल्यूज पे सॉर्ट होता है, सेल कलर पे होता है, फॉन्ट कलर पे होता है, सेल आइकन पे होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है। ऑर्डर मतलब सॉर्ट का ऑर्डर क्या होगा, एसेंडिंग या डिसेंडिंग? एसेंडिंग करेंगे तो ए टू जेड ओके। अब यहां से सॉर्ट हो गया, अब लिखेंगे फंक्शन। यहां पे लिखते हैं फंक्शन इक्वल टू भी लुकअप, इक्वल टू फिर भी लुकअप। पहला आर्गुमेंट होता है लुकअप वैल्यू। क्या होता है? लुकअप वैल्यू किसका सर्च करना है? हेलो, जैसे स्नेहा का सर्च करना है तो डबल कोट में दिए स्नेहा कॉमा। सेकंड आर्गुमेंट होता है टेबल एरे। टेबल एरे हो गया कंप्लीट। यहां से ठीक है, समझ गए? कौन पूछी थी जी? यह तो समझ गए। कौन? आदिति। यस सर। हाँ समझ गई। पहला आर्गुमेंट क्या है? लुकअप वैल्यू। यस सर। सेकंड आर्गुमेंट
टेबल एरे, टेबल एरे वो कंप्लीट डेटा होगा जिसके अंदर में हम लोग को क्या करना है, सर्च करना है। एंड लास्ट आर्गुमेंट होगा कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे एरिया सर्च करना है हम लोग को स्नेहा का, तो एरिया कितने नंबर के कॉलम पे है, एरिया कितने नंबर के कॉलम पे है, थ्री नंबर पे। थ्री नंबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थ्री। ठीक है, देखो आ गया। एरिया क्या है स्नेहा का, साउथ। साउथ आ गया, साउथ आ गया। ठीक है, फंक्शन लिखना चाहते हो तो लिख लो, लिख लो इसका। लिख लीजिए, लिख लिए। नो सर, लिख लीजिए। हो गया? यस सर। हाँ ठीक है, अब सीखते हैं हम लोग एच लुकअप, सीखेंगे एच लुकअप के बारे में। ठीक है, तो एक भी लुकअप जहां पे कॉलम में सर्च करता है यानी वर्टिकल सर्च करता है, एच लुकअप आपका हॉरिजेंटल सर्च करता है। कैसा सर्च करता है, हॉरिजेंटल। ठीक है, अब हॉरिजेंटल यानी कि रो में भी लुकअप फंक्शन एप्लीकेबल वहां पे होगा जब डेटा आपका कॉलम में होगा, और एच लुकअप वहां पे एप्लीकेबल होगा जहां पे डेटा आपका रो में होगा। तो पहले हम लोग सीखते हैं कॉलम से रो में कैसे ले जाएंगे डेटा को। तो उसके लिए सेलेक्ट करेंगे यहां से और कॉपी करोगे, कॉपी कर लिए। चलो अब हम लोग सीट, नेक्स्ट सीट में चले जाते हैं, नया सीट इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाकर क्या करेंगे रिया? सर पहले ट्रांसपोज करना पड़ता है। गुड, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल आएगा, यहाँ पे आएगा ट्रांसपोज। ओके, आ गया डेटा हमारा रो में, कॉलम में था डेटा, आप किधर आ गया, रो में। अब यहां पे लिखेंगे हम लोग, डेटा सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है हम लोग को क्योंकि डेटा ऑलरेडी कॉलम में सॉर्ट कर लिए थे। बात समझ गए, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत, दिक्कत है किसी को? दीक्षा भगत, चलो तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू एच लुकअप, इक्वल टू एच लुकअप। लुकअप वैल्यू जैसे वहां पे देते थे डबल कोट में देंगे, जैसे हम लोग को देखना है पंकज, पंकज का यहां पे टाइप किए पंकज, डबल कोट कॉमा। टेबल एरे, टेबल एरे में हम लोग कंप्लीट डेटा को क्या करेंगे,
सेलेक्ट करेंगे ऐसे, सेलेक्ट कर लिए, जैसे वहां पे देते थे भी लुकअप में देते थे हम लोग कॉलम इंडेक्स नंबर, यहां पे देंगे रो इंडेक्स नंबर। क्या देंगे? हेलो यस सर। जैसे वहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर देते थे ना, यहाँ पे क्या देंगे? रो इंडेक्स नंबर। हाँ रो इंडेक्स नंबर। अब आप बताइए रिया, क्या सर्च करना चाहते हो? पंकज का सेल्स। सेल्स, सेल्स कितने नंबर के रो पे है? फोर्थ। फोर्थ, तो यहाँ पे फोर टाइप किए, आ गया। कितना है पंकज का? पंकज का कितना है सेल्स? रिया 7500 सर। 7500, गुड, हो गया। इसी तरीके से दूसरे तरीके से बताते हैं, इक्वल टू एच लुकअप। अब तुम बोलोगे कि सर टाइप करने में कुछ मिस्टेक हो गया है एक आध लेटर का, तो क्या होगा? तो टाइप करने से अच्छा है यहां से सेलेक्ट कर लो, डबल कोट में देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग सेल एड्रेस सप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? डायरेक्ट सेल एड्रेस से अप्लाई। हाँ, सेल एड्रेस अप्लाई करेंगे जीवन। अब कॉमा टेबल एरे, यहां से सेलेक्ट किए, सेलेक्ट कर लिए, कॉलम इंडेक्स नंबर, सेल्स ही देखना है इसका, फोर नंबर पे। किसका किए थे? रियान का। चलो कितना है रियान का सेल्स? कितना है? 4300। अब कोई दिक्कत? तो भी लुकअप और एच लुकअप दोनों फंक्शन आप लोग सही से समझ गए? यस सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। कंफ्यूजन है तो बोलिए, फिर से बताएंगे। किसी को कोई डाउट है पूछो, फिर हम पूछना स्टार्ट करेंगे। सर एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा? एच लुकअप वाला। एच लुकअप, ये समझ रही हो? डेटा कॉलम से रो में कैसे आया? यस सर। कैसे आया? ट्रांस जो... हाँ ट्रांसपोज, कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज चेकबॉक्स को क्या करेंगे? ऑन कर देंगे। ठीक है, अब हमारा आ गया रो में डेटा है। देखो यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एच लुकअप। एच लुकअप यूज करने से पहले भी डेटा क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है प्रीति, तुम्हारा आवाज नहीं आता है उधर से। ठीक है, एच लुकअप यूज करने से पहले डेटा, जैसे जस्ट लाइक भी लुकअप में डेटा बेस क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। वैसे ही सर एच लुकअप का स्पेलिंग गलती है। अच्छा एक मिनट, ठीक है गुड। एच लुकअप, एच लुकअप, ठीक है। एच लुकअप यूज करने से पहले डेटाबेस को क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट होना चाहिए। हाँ कौन पूछी थी अभी? सर हम पूछे थे। हाँ आप बताइए किसका सर्च करना है आपको और क्या सर्च करना है, बताइए किसका क्या सर्च करना है? सर सोनिया का आइटम। हाँ, सोनिया का आइटम, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लुकअप वैल्यू में देंगे सोनिया कॉमा, ये कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिए। आइटम, आइटम कितने नंबर के रिकॉर्ड पे है? दो नंबर। तो यहाँ पे दो लिखेंगे, ठीक है।
एच वो गलत हो गया है, स्पेलिंग गलत है, एच लुकअप। चलो कीबोर्ड क्या है, सोनिया का आइटम क्या है? क्या है जी? कीबोर्ड। हाँ कीबोर्ड। चलो क्लियर हुआ अब? यस सर। और किसी को कंफ्यूजन कहीं पे? सर डाटा को सॉर्ट क्यों करते हैं सर? हाँ गुड, डेटा को सॉर्ट इसलिए करते हैं कि सॉर्टिंग करने से सर्चिंग क्या होता है, फास्ट हो जाता है। सर्च करना क्या हो जाता है? फास्ट। जैसे तो सर किस बेसिस पे सर सॉर्ट करते हैं डाटा को सर? अल्फाबेटिकली, सेल्समैन पे किए हैं। ठीक है, सेल्समैन पे सेल्समैन पे सॉर्ट किए हैं। ठीक है, देख लो फिर से देख लो एक बार, सॉर्ट बताए थे। यहां पे आएंगे डेटा सॉर्ट, जैसे पूछता है सॉर्ट बाय, किस पे सॉर्ट करना है? सेल्समैन। हम जैसे अभी आइटम पे सॉर्ट करते हैं, किस पे? या एरिया पे सॉर्ट करते हैं, आइटम पे ही करो ना, आइटम पे। वैल्यू ऑर्डर ए टू जेड मतलब असेंडिंग, जेड टू ए करेंगे मींस डिसेंडिंग, ए टू जेड कर देते हैं। ओके देखो आइटम पे किया, कौन पूछे थे सॉर्टिंग? सर। हाँ क्लियर है जी सर। हाँ अब समझ गए सॉर्ट क्यों करते हैं। अब देखो हमको सर्च करना है, जैसे सर्च करना है मॉडेम को, तो एम से स्टार्ट करेंगे, जहां से एम स्टार्ट हुआ है। ब्रिज को सर्च करना है, बी वाले से करेंगे। तो सॉर्टिंग से आपका सर्चिंग क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। ठीक है, सॉर्टिंग से सर्चिंग क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। अगले क्लास में और फंक्शन को ये करेंगे, और फिल्टर फिर से बता देंगे। फिल्टर क्या, फिल्टर में डाउट है किसी को? रिया कितने टाइप का फिल्टर पढ़े हम लोग? सर दो टाइप के ही पढ़े खाली। कौन कौन? एक तो एडवांस था और एक सिंपल था। हाँ गुड, एडवांस फिल्टर। ये प्रैक्टिकल कर इसको करना है, जितना कुछ बता रहे हैं ना उसको प्रैक्टिकल करना है आप लोग को। ओके सर। हाँ प्रैक्टिकल अच्छे से सीखिए। एमएस एक्सेल का यूज आपका एमआईएस में होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कहीं कहीं पे किसी भी ऑफिस में आप रहेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, तो वहाँ का एमआईएस मेंटेन करने के लिए आपका एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है। ठीक है चलो। तो क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी? सर एमएस एक्सेल को मोबाइल पर भी रन किया जा सकता है सर। हाँ हाँ ठीक है। अब चलो एक मिनट, और किसी को कोई डाउट? नो सर। कहीं से भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर फिल्टर में डाउट। अच्छा फिल्टर तो अगले क्लास में बताएंगे, फिर से फिल्टर फिर से बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो अभी अटेंडेंस बनाएंगे, रुक जाओ अटेंडेंस, सब ऑनलाइन रहेंगे।